नमस्कार दोस्तों, मस्ती वीडियो ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं छोटू मौर्या। दोस्तों आज मैं आप लोगों को महाशक्ति पीठ आश्रम महुवरियाँ सोनभद्र में लेकर आया हुआ हूं। आप ये देख सकते हैं कि महाशक्ति पीठ आश्रम महुवरियाँ धाम मेरे पीछे है। यह सोनभद्र में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर नवरात्र का समय चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर आने से सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है दोस्तों, जैसे गूंगा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, यहाँ पर आने से सभी लोगों का कल्याण हो रहा है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, हम लोग लाइव बात करते हैं कि क्या है। वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप लोग और अपना नाम बताइए। सीमा देवी। अच्छा, तो आपको मतलब क्या दिक्कत परेशानी थी कि महाशक्ति पीठ सेवा आश्रम पर आना पड़ा? बच्चा ना बोल रहा ना, वही से लेके आई। अच्छा, बोल नहीं पा रही थी। हाँ, तो पता नहीं कि चार बच्चा ना बोल रहा ना, तो लेके आई। अच्छा, अब यहाँ पर आने से बोलने लगी? हाँ, जैसे छोटा पड़ता है नहीं बोलते रहे, तो बहुत ले जाते रहे, जहाँ बताते रहे तो बताने के लिए रही, तो बोले लगने लोगों थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ हजार लेली का साफा। मतलब कि महाशक्ति पीठ आश्रम महुवरियाँ धाम पर आने से मतलब कि ये बोलने लगी ना? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर आश्रम है, यहाँ पर जाने से हमारा? अच्छा, नाम बताइए बाबू। बता दो अपना नाम। बतावा ज्योति। ज्योति, गांव का नाम? कड़िया पर। और आप बताइए अपना नाम। नाम बताइए अपना। प्रीति। खुशी। खुशी, फिर से बोलिए, फिर से अपन नाम बता। चांद बोला। खुशी, आप बताइए अपना नाम। संगीता। अच्छी, फिर से बोलिए। संगीता। और बोला जय माता दी जोर से। संगीता। नाम जय माता दी। 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 आप लोग देख सकते हैं, आप पहले कम बोलती थी लेकिन अब थोड़ा साफ साफ बोलने लगी। साफ नहीं बोलती थी तो लगी। जय माता दी, फिर से बोलिए। जय माता दी। दोनों हाथों पर करके जय माता दी। दोस्तों आपने देखा कि एकदम नहीं बोल पा रही थी, और जय माता दी आपने सुना होगा कि जय माता दी साफ समझ में आ रहा है। महाशक्ति पीठ आश्रम महुवरियाँ सोनभद्र में आने से जो गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, यहाँ पर आता है तो उसका कल्याण हो जाता है दोस्तों। तो मराई तो अगर जो भी यहाँ पर आना चाहता है महाशक्ति पीठ आश्रम महुवरियाँ धाम में तो आ सकता है। यह महाशक्ति पीठ आश्रम महुवरियाँ सोनभद्र में पड़ता है दोस्तों, जो कि दूर दूर से लोग आते हैं नवरात्र के समय का। नवरात्र का समय चल रहा है इस समय की डेट में दोस्तों। तो दोस्तों बिहार से यहाँ पर आपको कैसा आना हुआ? बहुत अच्छा। तो आप दर्शन करने आई हैं महुवरियाँ धाम पर, या फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी? परेशानी हमरा बहुत रहे, हम दवा ओझाई मतलब पूरा कवरनी दवा। अच्छा। कवरनी ओझाई कवरनी में सारा परिवार मतलब दिमाग पागल जैसा हो जाता रहा। तो कैसे पता चला कि यहाँ पर आने से ठीक हो जाएगा? मतलब वो के आदमी एक आई रहा। अच्छा। मतलब कोई कुछ के जानकारी हो गई बा, ते कहला ना कि महुवरिया जाए से मतलब कष्ट दुख छा भी, तो हम पतियात ना रहे कहानी ना कि माँ मतलब ओझा गुन से नहीं दुख हटा तब देवी देवता से कभी खट जाए हम ना पचेते। तो फिर जब सब सगरे से हार गए सब जवाब दिलस, तब कहानी कि मतलब बाल बच्चा कहलन कि चल कोई जगह देख ले। जब हम माता जी के देवरी आईनी तब माता जी हमारे दुख सुन दे। अच्छा, आपका मतलब सारा समस्या दूर हो जाएगा? सबके दुख सुन लिया माता जी हमारे। हम मतलब हम अपना बेटी दामाद के लिए अलग बने, मतलब तीन बार ऐसे आ गए हैं जल्दी जल्दी अपना सौक से आए, लेकिन हमारे मतलब बहुत आराम बा, सारा परिवार आराम बा, सारा परिवार सुरक्षित बा, और टेंशन नहीं के कादा के काम नहीं के मतलब दिमाग में टेंशन मत के काम धंधा कर, घर में कुछ हो न जाए, घर कुछ हो न जाए। अभी मन में लग रहा था कि घर कुछ हो जाए, हमरा मन में डर बनल थे, लेकिन अब डर भय नहीं थे। कहाँ से आई रनी हाँ? हम कैमूर जिला से आई बानी कुदरा। तो दोस्तों आपने लाइव वीडियो में देखा कि ये कैमूर जिला से आई हुई हैं। इनकी समस्या थी, समस्या का समाधान इन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान थी और महाशक्ति पीठ आश्रम महुवरियाँ सोनभद्र में आने से हमारे समस्या का समाधान हो गया। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि यहाँ पर जो भी दूर दूर से आता है
और उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। यह महाशक्ति पीठ आश्रम महोरिया सोनभद्र में पड़ता है। दोस्तों इस समय नवरात्र का समय है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं और अपनी अपनी समस्या का समाधान यहाँ पर करा सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी, जय माता दी।